हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ। टाइटल है पावर ऑफ थॉट्स। सो पावर मीन्स शक्ति और थॉट्स होता है हमारे विचार, हमारे सुझाव। सो हमारे विचारों में क्या ताकत होती है उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। इसमें हम थ्री लेवल्स पे इसको समझेंगे। पहले तो है वोकैबुलरी, जो कि बहुत अच्छी है। सेकेंड, ग्रामर स्ट्रक्चर जो होगा साथ साथ आपको बताऊंगी। थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन, जो भी इसका हिडन मीनिंग है उसको समझेंगे, उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक कोटेशन से। ये कहावत जो है बोली गई है एलेनोर रूजवेल्ट के द्वारा। एलेनोर रूजवेल्ट, वो कहती हैं, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। यहाँ पे लोगों में अलग अलग टाइप की क्षमता होती है, उनमें इंटेलिजेंस के हिसाब से, बुद्धिमत्ता के हिसाब से अलग अलग लेवल होते हैं। बताया गया है कि ग्रेट माइंड जो होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं आइडियाज के बारे में, जैसे कैसे किसी समस्या का हल निकाला जाए या किसी भी नए कॉन्सेप्ट के बारे में, थ्योरीज के बारे में वो डिस्कशन करते हैं। फिर जो एवरेज माइंड होता है, जो कि ग्रेड से थोड़ा नीचे है, जिनका एवरेज बुद्धिमत्ता जिसमें होती है, एवरेज इंटेलिजेंस, वो डिस्कस करते हैं इवेंट्स के बारे में, आसपास क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, जो भी आसपास हमारे घटनाएं हो रही हैं, तो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। और स्मॉल माइंड, जिनमें बहुत ही कम इंटेलिजेंस होती है, वो डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में, वो ज्यादातर गॉसिप करते हैं, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ, कोई दिखता कैसा है, बिहेव कैसा करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे ऊपर किसे रखा गया है? ग्रेट माइंड्स, इंटेलिजेंट लोगों को, जो कि आइडियाज डिस्कस करते हैं, नए सुझाव, नई थ्योरीज, नए कॉन्सेप्ट्स, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो चीज। तो ये तो एक कोटेशन थी। अब आगे शुरू करते हैं पैसेज। आइडियाज रूल द वर्ल्ड, आइडियाज विचार हमारे दुनिया पर शासन करते हैं। You shape your fate and decide your destiny. Fate means किस्मत और destiny होता है भाग्य। By your thoughts, आप अपने विचारों के द्वारा ही अपनी किस्मत को आकार देते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। To give shape हो गया आकार देना, तो अपनी किस्मत को आप अपने विचारों के द्वारा ही आकार देते हो और अपने भाग्य को बनाते हो। You have to think high to rise. अगर आपको ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है, तो अपने विचारों को ऊंचा रखना पड़ेगा। You have to believe and be sure of yourself. आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। Have to believe, believe मतलब विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। And be sure of yourself. ये जो फ्रेज है, be sure of oneself, it means to be confident इन वंस एबिलिटीज, जो भी हम में क्षमताएं हैं उसके ऊपर हमको आत्मविश्वास होना और विश्वास होना। टू विन अ प्राइज, तो अगर हम सिर्फ एक इनाम जीतना चाहते हैं तो इतना सारा तो हमको करना पड़ेगा। पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास करना पड़ेगा, तब हमें प्राइज जरूर मिल सकता है। लाइफ्स बैटल्स, डू नॉट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और द फास्टर मैन। So, दुनिया के जो संघर्ष होते हैं वो हमेशा उस आदमी के पास नहीं जाएंगी जो स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा ताकतवर हो और द फास्टर या ज्यादा तेज हो। किसी की जिंदगी में भी संघर्ष तो आ ही सकते हैं। लाइफ्स बैटल्स है ना, जीवन के संघर्ष, जीवन की लड़ाई के बारे में बात करी है कि ऐसा तो नहीं है ना कि लड़ाई हमेशा वही लोगों के पास जाएगी जो कि बहुत ताकतवर है। सबकी जिंदगी में संघर्ष आ सकते हैं, बट सूनर और लेटर द मैन Who wins is the man who thinks he can. Sooner or later, ठीक है, ये वाली फ्रेज का मतलब है कि देर सवेर, at some point in the future, मतलब कभी ना कभी भविष्य में, लेकिन कभी ना कभी, the man who wins is the man who thinks he can. जो आदमी जीतता है जीवन की इन लड़ाइयों को, जो आदमी जीतता है वो वही आदमी होता है जो कि अपने ऊपर विश्वास करता है और सोचता है कि वो जीत जाएगा इन जीवन के संघर्षों को, इन पर विजय पा सकता है। तो अगर मन में सोचा है कि हाँ, अगर मुश्किल हालात आएंगे उसको भी मैं निपटा लूंगा, उसके ऊपर विजय पा लूंगा, तो अवश्य ही वो उस पर विजय पा भी सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि हमारे विचारों में कितनी ताकत होती है। सक्सेस स्टार्ट्स विद योर थॉट्स, सक्सेस सफलता उसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों से ही। व्हाटएवर योर माइंड कैन
कंसीव, जो भी आपका दिमाग कल्पना कर सकता है, कंसीव मीन्स कल्पना करना, सोचना, एंड बिलीव, और जिस पर विश्वास करता है, इट कैन अचीव, वो वह चीज प्राप्त भी कर सकता है। सोचने की जरूरत है, उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, तो वो चीज प्राप्त भी हो जाएगी। सो व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव, जो भी आपका दिमाग जिसके बारे में जो पाना चाहता है, अगर उसकी कल्पना करता है और खुद पर विश्वास रखता है, तो वो उसको प्राप्त भी कर सकता है। एंड योर माइंड इज नथिंग मोर देन अ बंडल ऑफ थॉट्स, और आपका जो मन है सो वो क्या है, इट इज नथिंग मोर, इससे अधिक नहीं है, वो असल में क्या है, बंडल ऑफ थॉट्स मीन्स विचारों के ही समूह है वो। हमारा मन जो है वो बना हुआ है अलग अलग विचारों से, बंडल हो गए कि मतलब नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के जो विचार होते हैं उसी से हमारा दिमाग मन बना हुआ है। सिंस यू हैव द पावर टू शेप योर थॉट्स, क्योंकि आपके पास वो ताकत है जिससे कि आप अपने विचारों को आकार दे सकते हो, आपके पास ही वो ताकत है कि आप कौन से विचार पर ज्यादा विचार करोगे, ये ताकत आपके पास है। यू ऑटोमेटिकली हैव द पावर टू फैशन योर फेट एंड डिसाइड योर डेस्टिनी। तो इसलिए ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप ही, ये एडवर्ब है यहाँ पे, अपने आप ही आपके पास वो ताकत भी है टू फैशन योर फेट। फेट हमने पढ़ा था पहले भी, फेट किस्मत, डेस्टिनी भाग्य। सो अपने आप ही आप में वो ताकत है जिससे कि आप अपनी किस्मत संवार सकते हो और अपने भाग्य का भी निर्माण कर सकते हो। Thus, your thoughts are the most potent and prime source of your success. इसीलिए कहा गया है कि जो आपके विचार होते हैं, they are the most potent, वो सबसे शक्तिशाली होते हैं, and prime, प्रमुख source होता है, स्रोत आपके सफलता का। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आपके जो विचार हैं, वही आपकी सफलता का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रमुख स्रोत है। सारी ताकत आगे बढ़ने की आपके विचारों से ही आपको मिलेगी, इसलिए विचारों को हमेशा ऊंचा रखना है। फॉर योर थॉट्स टू ब्लॉसम, सो अपने विचारों को ब्लॉसम, जैसे फूल खिलते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉसम, खिलना। तो आपके विचारों को भी खिलने के लिए इनटू सक्सेस, सफलता में, दे शुड बी कंबाइंड विद डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यहाँ पे डेफिनेटनेस का मतलब है निश्चितता, और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं स्पष्टता, कि क्लियर है पर्पस, जो आपका उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके विचार खिलकर सफलता में बदल जाएं, तो थोड़ा बहुत कुछ कंबाइन चीजों को करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो चीजें हैं यहाँ पे कंबाइन, मतलब क्या क्या चीजें आपको अपने रूटीन में लानी है, शामिल करनी है, वो है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका जो उद्देश्य है वो निश्चितता से भरा, मतलब वो स्पष्ट होना चाहिए आपके लिए। फिर है परसिवेरेंस, उसका मतलब होता है दृढ़ता, और दृढ़ता से यहाँ का मतलब है कि अगर मुश्किल हालात भी हों फिर भी डटे रहना और आगे बढ़ते रहना, और कह सकते हैं कि ट्राई टू डू समथिंग और ट्राई टू अचीव समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। तो क्या क्या कंबाइन करना है, एक तो डेफिनेटनेस कि हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हमारे सामने क्लियर हो, फिर उसके लिए हम बहुत मेहनत भी करें, चाहे मुश्किलें भी आए हमारे रास्ते में, एंड अ बर्निंग पल्सेटिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। यहाँ पे बर्निंग और पल्सेटिंग दोनों एडजेक्टिव है जो कि डिजायर, इच्छा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि और हमारी जो इच्छा है वो होनी चाहिए बर्निंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, और पल्सेटिंग होता है स्पंदनशील, बोल सकते हो या बोल सकते हो कि नियमित रूप से, जैसे हमारी पल्स चलती रहती है, ठीक है। तो पल्सेटिंग उसी से बना हुआ है कि नियमित रूप से, मजबूत रूप से, उसके प्रति विचारों को सफलता में बदलने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। टू ट्रांसलेट देम इंटू एक्शन, यहाँ पे देम जो है आइडियाज के ऊपर है या थॉट्स के ऊपर है, यहाँ पे थॉट्स की बात करी गई थी फर्स्ट लाइन में, फॉर योर थॉट्स, तो यहाँ पे है Them, मतलब उन थॉट्स को एक्शन, उसके ऊपर कार्य करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए हमको ये सब भी करना होगा। तो क्या है ये, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, देन परसिवियरेंस एंड पल्सेटिंग एंड बर्निंग स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये तीन चीजें होनी चाहिए, तो तब हमको सफलता मिल जाएगी। बिलीव दैट यू विल सक्सीड एंड बिलीव इट फर्मली, विश्वास करिए कि आप सफल होंगे
और उस पर दृढ़ विश्वास भी कीजिए। नेगेटिव थॉट्स मत लाइए अपने दिमाग में, दृढ़ बन के रहिए। यू विल देन डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग सक्सेस अबाउट। तो मन में अगर सिर्फ ये बसा हुआ है कि मुझे सफल होना है किसी भी कीमत पर, तो आप वही काम करोगे। देन यू विल डू वट एवर, जो कुछ भी नेसेसरी, जरूरी है टू ब्रिंग सक्सेस अबाउट, सफलता लाने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा उस पर आप मेहनत करोगे, काम करोगे, क्योंकि आपने अपने आप अपने आगे कोई दूसरा विकल्प रखा ही नहीं है। फेथ इन योरसेल्फ एज वेल एज द कॉन्फिडेंस। सो फेथ होता है आस्था, विश्वास, अपने आप पर विश्वास, खुद पर विश्वास, साथ ही में, एज वेल एज मीन्स साथ ही में, द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन एंड विल सक्सीड, और ये आत्मविश्वास कि आप कर सकते हो और आप करके रहोगे, सफल बन के रहोगे, आर द की टू योर सक्सेस इन एनी वेंचर। तो किसी भी वेंचर, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप सफल बनना चाहते हो तो यही उसकी चाबी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आस्था रखनी है, और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो, इसलिए आप करके रहोगे, तो फिर सफलता आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जरूर मिलेगी। इफ यू कीप योर माइंड रिवेटेड, तो रिवेटेड का मतलब है यहाँ पे कि स्थिर रखना, देर तक बनाए रखना। तो अगर आप अपने दिमाग को बनाए रखते हो, स्थिर रख सकते हो ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर, एंड फोकस योर थॉट्स ऑन द ग्रेट एंड स्प्लेंडेड थिंग्स, और फोकस योर थॉट्स, अपने विचारों को केंद्रित करके रख सकते हो ऑन द ग्रेट एंड स्प्लेंडेड, महान और शानदार चीजें, दैट यू विश टू हैव, जो आप अपनाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, पाना चाहते हो। यू विल फाइंड योर सेल्फ अनकॉन्शियसली सीजिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज। तो आप पाओगे कि आप खुद अनजाने में ही, है ना, आपको कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अनजाने में ही सीजिंग अपॉन, मतलब पाना, टू टेक और टू यूज। तो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, जिनकी की जरूरत है फुलफिलमेंट मीन्स पूरा करने के लिए, और डिजायर्स है आपकी इच्छाएं। तो उस समय आप पाओगे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जितनी भी जरूरत, अवसर है, उनका आप अनजाने में ही लाभ उठाओगे। उसमें आपको ज्यादा फिर कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सीधा एक गोल अपने लिए फिक्स कर दिया है और उसकी तरफ आप सिंगल माइंडेडली बढ़ रहे हो, बिना माइंड को इधर उधर भटकाए हुए। थॉट्स आर सुप्रीम, जो हमारे विचार है वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। प्रिजर्व द राइट मेंटल एटीट्यूड, प्रिजर्व मतलब बनाए रखना, सुरक्षित रखना, द राइट मेंटल एटीट्यूड। यहाँ पे मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि मानसिक दृष्टिकोण जो होगा उसको सही बना के रखना है, ऑफ करेज, साहस का, फ्रैंकनेस, स्पष्टता का, एंड गुड चीयर, खुशी का या प्रसन्नता का। सो यहाँ पे बताया गया कि आपका मानसिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जैसे कि उसमें साहस होना चाहिए, और लक्ष्य क्या है उसके प्रति स्पष्टता होनी चाहिए, एंड गुड चीयर मीन्स प्रसन्न भाव से आगे बढ़ना चाहिए। थिंक ऑफ सक्सेस इन योर वर्क, अपने काम में आप सफलता के बारे में सोचे कि ये काम मैं करके रहूंगा, तो आप पाओगे, एंड यू विल देन डू ऑटोमेटिकली एंड अनकॉन्शियसली, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि तो आप तब कदम उठाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा वो, स्वचालित होगा, एंड अनकॉन्शियसली, अनजाने में, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, द थिंग्स नेसेसरी टू ब्रिंग सक्सेस अबाउट, कि जो भी चीजें जरूरी है सफलता लाने के लिए वो चीजें आप ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। इन लाइंस में जोर दिया गया है कि माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है और सोचना है कि हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ। इफ योर डिजायर इज वीक, लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर नेगेटिव ले आए विचार, ठीक है, इफ योर डिजायर इज वीक, हमने हमारी जो इच्छा है वो थोड़ी कमजोर है, एंड योर एफर्ट्स आर इरेटिक, और आपके जो प्रयास हैं वो भी इरेटिक है, मीन्स अनियमित है, लगातार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखा, सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। जब आपने सोचा, आपकी डिजायर कमजोर पड़ गई, इच्छा कमजोर पड़ गई, तो आपके प्रयास भी फिर अनमने ढंग से होंगे और अनियमित रूप से होंगे, लगातार नहीं होंगे। फिर क्या होगा, योर अचीवमेंट्स विल ऑल्सो बी स्लाइट एंड फ्लीटिंग, तो आपको जो उपलब्धियां मिलेंगी वो भी कैसी होंगी। यहाँ पे एडजेक्टिव है स्लाइट, जिसका मतलब है वेरी स्मॉल, बहुत छोटी, मामूली सी, और फ्लीटिंग है
ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए जो टिकता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी लेस टाइम, शॉर्ट टाइम। तो इसलिए देखिए नेगेटिव नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने मन में, अदरवाइज क्या होगा, प्रयास भी पूरे अच्छी तरीके से नहीं होंगे और उपलब्धि भी उसके हिसाब से ही हमको मिलेगी, जो कि होगी बहुत बहुत ही तुच्छ, मामूली, छोटी सी और कम समय के लिए। बट इफ यू गो आफ्टर योर गोल विद सिंगल माइंडेडनेस, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे जाते हो सिंगल माइंडेडनेस मीन्स पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे कि ऑफ अ बुलडॉग आफ्टर अ कैट, जैसे कि ये डॉग की वैरायटी है बुलडॉग, जैसे कि एक डॉग एक बिल्ली के पीछे जाता है, नथिंग एंड नोबडी अंडर द सन कैन स्टॉप यू, तब कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति जो भी एग्जिस्ट करता है, जो मौजूद है इस दुनिया में, वो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद का ये मन बना लिया है कि मुझे इस चीज को पाना ही है। योर गोल शुड ऑल्सो बी वेल डिफाइंड, आपका जो लक्ष्य है, जहां आपको पहुंचना है, डेस्टिनेशन है जो आपकी, जो आपने अपने मन में बनाया हुआ है कि मुझे यहां तक जाना है, इट शुड ऑल्सो बी वेल डिफाइंड, मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन विशेष या खास, एंड शुड बी लिंक्ड टू अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम, और लिंक्ड मतलब उसको जुड़ा होना चाहिए टू अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम, एक समय सीमा से आपको पता होना चाहिए कि कब तक मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सो दैट योर डेफिनेट एनर्जी, आपकी जो की एनर्जीज यहाँ पे है कि जो आपके प्रयास होंगे, हार्डवर्क होगा, एफर्ट्स होंगे, तो डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से जो आप प्रयास करोगे, एंड एफर्ट्स कैन बी फोकस्ड, और आपके जो प्रयास है वो भी निर्देशित किए जा सके, फोर्सफुली डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स अटेनमेंट। सो दो चीजें कही गई है, इट कैन बी फोकस्ड एंड फोर्सफुली डायरेक्टेड, ताकि वो निश्चित ऊर्जा और प्रयास वो निर्देशित किए जा सके टूवर्ड्स इट्स अटेनमेंट, मीन्स उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, टूवर्ड्स की ओर अटेनमेंट प्राप्ति। सो यहाँ पे जो पूरी लाइन है, यहां से इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपका लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा से भी जुड़ा होना चाहिए, कुछ डेडलाइन होनी चाहिए आपके पास, ताकि जो आपकी निश्चित ऊर्जा है आप में और प्रयासों को जो आप उसकी प्राप्ति के लिए करोगे, उन प्रयासों को, उस ऊर्जा को, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक तो है कि केंद्रित किया जा सके और सशक्त रूप से निर्देशित भी किया जा सके। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।